दोस्तों, यदि आप भी IPL 2018 में DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन में DRS के प्रयोग को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीजन में पहली बार DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम का प्रयोग होगा। इससे पहले BCCI DRS के प्रयोग को लेकर कतराती थी। बोर्ड का मानना था कि ये फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन साल 2016 के अंत में जब इंग्लैंड ने भारत का दौरा किया तो उसमें DRS का प्रयोग किया गया था। अब IPL में भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि BCCI DRS को लेकर काफी उत्सुक थी और इस साल हमने फैसला किया कि इसे IPL में भी लागू किया जाए। टूर्नामेंट में सभी अच्छे नियम लागू होते हैं तो फिर DRS क्यों नहीं। पिछले 1.5 साल से हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इसका प्रयोग कर ही रहे हैं। गौरतलब है, बोर्ड ने दिसंबर में देश के शीर्ष 10 अंपायरों की एक वर्कशॉप का आयोजन विशाखापट्टनम में किया था। IPL को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया था। ICC के अंपायरों के कोच डेनिस बंस और ऑस्ट्रेलिया के अंपायर पॉल रिफेल ने भारतीय अंपायरों को नई तकनीक से अवगत कराया था। तब इस वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले एक अंपायर ने कहा था कि भारतीय घरेलू क्रिकेट में अभी तक DRS का प्रयोग नहीं हुआ है। चूंकि IPL के लिए स्थानीय अंपायर ही अंपायरिंग करेंगे, इसलिए उनको इस बारे में पता होना बेहद जरूरी है। हमें कहा गया कि इस IPL सीजन से DRS का प्रयोग होगा और हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। गौरतलब है, IPL का 11वां सीजन 7 अप्रैल से 31 मई तक खेला जाएगा, जिसमें दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ी शिरकत करेंगे। IPL पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित टूर्नामेंट बन चुका है और इसमें उच्च स्तर के कोच और खिलाड़ी शिरकत करते हैं। ऐसे में BCCI का ये कदम सराहनीय होगा। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय अंपायर इसको लेकर कितने सहज रहते हैं।